हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो बाइट्स, पोटैटो चीज़ बाइट्स। तो चलिए देख लेते हैं उसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये हमने चार आलू लिए हैं जो मैंने धो के इनको बॉईल करके और रखा हुआ है। इसके लिए ये ब्रेड क्रम्स हैं, तकरीबन एक कप होगा। ये 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 चम्मच मैदा लिया है। इन दोनों को मिक्स करके हम एक स्लरी तैयार करेंगे। आधा चम्मच मैंने नमक लिया है इसमें, आधा चम्मच ही ये लाल घर की कुटी हुई मिर्ची है, आधा चम्मच ये सूखा धनिया है कुटा हुआ, ये 2 से 3 चम्मच हरा धनिया है, ये 2 चम्मच भर के बड़े वाले कॉर्नफ्लोर लिया है। बाइंडिंग के लिए हम ये आलू के अंदर डालेंगे। और ये मैंने ऑरिगेनो लिया है आधा चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्ची इसमें डालेंगे। ऑयल लिया है मैंने फ्राई के लिए, और ये तकरीबन आधा कप मैंने मोजरेला चीज़ ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये आलू को मैं ग्रेट कर लूँगी। इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से इसमें कोई लम्स नहीं रहता है, बराबर हो जाते हैं सारे, इस वजह से मैं इसको ग्रेट करूँगी। ये आलू को मैंने मैश कर लिया है, ये देखें इस तरह कितना ज़बरदस्ती ये मैश हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, ये इसमें ऐड करूँगी। 2 से 3 चम्मच धनिया है जो मैंने इस तरह बारीक काट लिया है, ये आधा चम्मच काली मिर्ची डालूँगी, ये 1 चम्मच है, आधा मैंने डाल दिया। आधा चम्मच नमक मैंने डाला है, या फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। ये आधा चम्मच मैंने धनिया डाला है कटा हुआ, आधा चम्मच ऑरिगेनो है, आधा चम्मच लाल वाली मिर्ची है, और ये आधा कप तकरीबन मोजरेला चीज़ है, इसको मैंने ग्रेट करके डाला है। इन सारी चीज़ों को अभी हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, जैसे शाम को चाय के साथ आप बना सकते हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद होते हैं, उनकी तो मौजें हो जाएंगी। तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, सब बहुत शौक से खाते हैं। वो भी ये देखें, अभी ये एक डो की शक्ल में आ गया है, ये बनके तैयार हो गया है। अभी हम बाकी की चीज़ों को देख लेते हैं। इसको हम साइड पे रख देंगे, ये तैयार हो गया है। अभी हमने ये 2 चम्मच मैदा लिया है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हम इसमें ये तकरीबन 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्ची डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे। अभी हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने 1/4 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें इस डालेंगे, और इसकी एक पतली सी स्लरी तैयार कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखें सारी कुटलियाँ इसकी ख़त्म हो गई हैं, ये देखें इस तरह का होना चाहिए। 1/4 कप पानी इसमें मैंने ऐड किया है, ये देखें। इसको हम साइड पे रख देंगे। हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने खुद घर पे बनाए हुए हैं, बहुत जल्दी इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये ब्रेड को मैंने ग्राइंड करके और फिर इसको मैंने थोड़ा फ्राई करके और इसको डिब्बे में बंद करके रखा हुआ है। तो ये मैंने कढ़ाई रखी है, अभी हम ऑयल डाल के इसमें गर्म होने के लिए रख देंगे। रिफाइंड ऑयल है, कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं रिफाइंड ऑयल फ्राई करने के लिए। अभी हाथों पे थोड़ा सा हम ऑयल लगा के और इसके बाइट्स बना लेंगे। इसको 2 हिस्सों में करके और इसको इस तरह रोल करेंगे।
ऐसे सरफेस को अच्छे तरीके से साफ कर लिया। ऐसे हम इसको फैला लेंगे। इस तरह हम इसको ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। ये हम वापस उसी में रख देंगे इस तरह। ये जो हमने काटे हैं इनको हम हाथ से ऐसे सेट करके एक प्लेट में रख लेंगे। इस तरह ये सारे ही हमने जो बनाए हैं इनको सेट करके ऐसे प्लेट में रखेंगे। लग रहे हैं ना इतने खूबसूरत देखने में, इसी तरह ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। इसी तरह हम बाकी भी सारे के इसी तरह के बाइट्स बना के रख लेते हैं, फिर मिलते हैं जब फ्राई करेंगे। तो देखिए कि मैंने सारे इसी तरह तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें से एक एक उठाएंगे और इसको इसके अंदर डिप करेंगे। ऐसे हम सारे कोट करके एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम इसको सारे जो हैं इनको डिप करके इसमें फिर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखिए ऐसे हम रख लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे जो बाइट्स हैं उनको कोट करके रख लिया है। ऑयल हमने रखा हुआ है हल्की आग पे, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह हम एक एक करके इसमें डाल देंगे जितने के कढ़ाई में आ सकें। ओवर क्राउड नहीं करना है, बस कम ही डालने ताकि चिपके भी ना और टूटे भी ना और थोड़े फ्राई हो जाए, फिर हम इसको पलटेंगे। ये देखें ऑयल हमारा गर्म था और ये एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको पलट के दूसरी साइड फ्राई कर लेंगे। अगर आपको याद हो तो ये मैंने एनी की बर्थडे पे जो वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी उसमें बनाए थे और मैंने आपसे कहा था कि ये रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। ये एनी की फेवरेट है। स्लो आग पे ही इसको पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए। इतनी तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम आग रखनी है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। ये हमारे बाइट्स बन के तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है। ये देखें लग रहे हैं ना कितने ज़बरदस्त। ये अगर आपने बनाए तो आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। ये ज़रूर आप घर में ट्राई कीजिएगा। हेल्दी भी हैं और घर के बने हुए हैं, हाइजेनिक भी हैं। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे बाइट्स जो हैं वो बनके तैयार हो गए और ये ऊपर से इतने, ये देखें इतने क्रिस्पी होते हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं। ये देखें ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। इसमें चीज़ डाली हुई है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम इसको इसमें प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे
पोटैटो चीज़ बाइट्स बनके तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।